नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। भारत के कई थिंकर खुलेआम कहते हैं कि भारत अपने टारगेट को छोटा करके ना देखे, और अगर उसे चीन की बादशाहत को रोकना है तो चीन की तरह सोचे, क्योंकि दक्षिण एशिया में और किसी देश के पास इतनी कुवत नहीं कि वो चीन की ताकत के सामने टिक सके, और जिसे टिकना है वो है भारत। तो इसीलिए भारत दक्षिण एशिया में शांति और चीन को टक्कर देने के बारे में सोचे, न कि छोटी मोटी लड़ाई में उलझे। भारत के सामने पाकिस्तान मेमना है, और ऐसे में भारत को पाकिस्तान पर बेवजह अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करनी चाहिए। अब लगता है कि भारत ने उन थिंकरों की बात सुन ली है, और इसीलिए भारत का अब फोकस सिर्फ और सिर्फ भारत चीन सीमा हो गई है। इसका ये मतलब आप ना निकालें कि भारत का फोकस पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान भी है। इसी कड़ी में भारत ने चीन की चालबाजियों का जोरदार जवाब दिया। डोकलाम में भारतीय सेना ने बनाई 20 किलोमीटर की सड़क। इस सड़क की वजह से भारत अब अपनी तोपों को 30 मिनट के अंदर चीनी सीमा पर लगा सकता है। साल 2017 का डोकलाम विवाद तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि ये विवाद पूरी दुनिया के अखबारों की सुर्खी बना था और 73 दिनों तक चला था। सीमा पर चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच चली तनातनी के बाद चीनी सेना को मजबूर होकर डोकलाम छोड़ अपनी सीमा में जाना पड़ा था। सीमा पर चली दोनों सेनाओं की तनातनी ने दिल्ली से लेकर बीजिंग की राजनीति को गर्म कर दिया था। इसी से सबक सीखते हुए भारत ने डोकलाम में विकास की रफ्तार को बढ़ा दिया, और इस काम को पूरा करने में लगा सीमा सड़क संगठन। डोकलाम के एरिया में सीमा सड़क संगठन ने लगभग 60 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया, और उन्हीं निर्माणों में शामिल है डोकलाम की 20 किलोमीटर की सड़क। साल 2019 में बीआरओ की सबसे बड़ी उपलब्धि भीम बेस डोकलाम सड़क को मानी जा सकती है, क्योंकि रणनीतिक तौर पर ये सड़क भारतीय सैनिकों को सीमा तक जाने में रणनीतिक बढ़त हासिल करने में मदद करेगा। ये सिक्किम के नजदीक डोकलाम पठार के पास है, और इस सड़क के बन जाने से मात्र 40 मिनट में चीनी सीमा के पास होगी भारतीय आर्मी, जबकि यहीं तक पहुंचने के लिए पहले 7 घंटे से ज्यादा लगते थे। डोकलाम के पास सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई सड़क हर मौसम के लिहाज से शानदार है। एक ऑल वेदर ब्लैक फ्रेट सड़क है, जो काफी ज्यादा भार वाले ट्रकों के लोड को भी सहन कर सकता है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात बताते चले कि जब डोकलाम विवाद हुआ था, तब इस जगह तक पहुंचने के लिए भारतीय सेना को काफी दिक्कतों के साथ 7 घंटे लगते थे, जिसकी वजह से इस सड़क की अहमियत काफी बढ़ जाती है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि चीन की हेकड़ी काबू में रखने के लिए एक सड़क का दांव भारत ने चला है, जिससे चीन को घेरने में कामयाबी मिलेगी।